तमाशेबाज राजा। ध्यान से सुनना, राजा छटा हुआ तमाशेबाज था। वह अपनी प्रजा के मनोविज्ञान से अवगत था कि अमीर गरीब, ज्ञानी अज्ञानी, कोई हो, सब तमाशा घुस के देखते हैं। उसे पता था कि तमाशेबाजी से एक बार प्रजा के सम्मोहित होते ही राजा प्रजा में सदा के लिए ऐसी ट्यूनिंग बन जाती है कि राजा सिर पीटने की बात भी कहे तो प्रजा तालियां पीटने लगती है। राजा ने सुशासन के लिए तमाशाई शैली अपनाई। लोगों ने साफ पानी के लिए आवाज उठाई, राजा ने बहती नदी पर हवाई जहाज तैरा दिया। खाली हाथों ने काम मांगा, राजा हाथ पीछे बांध रस्सी से लटकी जलेबियां खाने को उछलने लगा। बस्ती में आग लग गई, राजा ने आग लगे गोल चक्कर में से आर पार कूदना शुरू कर दिया। प्रजा ने महंगाई की ओर ध्यान देने को कहा, राजा गुफा में ध्यान की मुद्रा बनाकर बैठ गया। नागरिक बोले यातायात के साधन मुहैया कराओ, राजा मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने लगा। जनता ने स्कूल अस्पताल के लिए आंदोलन किया, राजा ने पड़ोसी राज्य के आक्रमण का भय दिखाकर खाली बोतल में रख रख कर रॉकेट छोड़ने शुरू कर दिए। प्रजा काम की बात पूछती, राजा मन की बात करने लगता। अब इसका समापन देखना आप। जो हो, तमाम तमाशेबाजी के बावजूद राजा को यह एहसास जरूर था कि तमाशेबाजी की अपनी खूबी है तो खामी भी है। खूबी यह है कि तमाशा दिखाने से प्रजा मूल मुद्दा भूल जाती है, और खामी यह है कि हर बार नया दिखाना पड़ता है।